उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस अंतिम सांस को बचाने के लिए लोगों को ठोकरें खानी पड़ती थी, उन ठोकरों से उन्हें निजात तो मिलने वाला है। आपको बता दें कि कानपुर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उसकी कमी पूरी किए जाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर सही समय पर कार्य को पूरा किया गया तो 2-3 दिनों में ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर दिया जाएगा, जिसके चालू होने के बाद एक दिन में तकरीबन 150 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मुहैया कराई जा सकेगी। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए दिल्ली से आए प्लांट इंजीनियर अवनीत सैनी ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार कानपुर के उर्शला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये उर्शला में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो किस तरह से मशीन आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं? ये मशीन जो है ऑक्सीजन एयर से लेगी और उसमें प्योरिटी बढ़ा के उसकी आगे सप्लाई करेगी। 500 लीटर पर मिनट की मशीन है जी, 500 लीटर पर मिनट देगी, अप्रोक्सीमेट एक दिन में 100 सिलेंडर देगी। कब तक ये तैयार हो जाएगी? इसे 2-3 डेज लगेंगे। अब कितनी मतलब कि इसमें एक सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन लेगी? एक जंबो सिलेंडर होता है जो आपका 7000 लीटर का होता है जी, तो ये आपको 500 लीटर पर मिनट देगी। 24 घंटे में कितना अगर बात करिए तो कितनी? 100 सिलेंडर, 100 प्लस। तो आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे, मतलब इस तरीके? 2-3 डेज का वर्क है, 2-3 डेज में इनको सप्लाई मिल जाएगी। जिसका कार्य अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और लगभग 2-3 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद प्लांट से निकलने वाली ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग की जाएगी और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन वितरित की जाएगी। इसकी पहली यूनिट में लगभग 150 लोगों को एक दिन में गैस देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की महामारी के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हालात अभी भी ऐसे बने हुए हैं कि अभी भी मरीजों के दीमारदार अपने लोगों को बचाने के लिए घंटों ऑक्सीजन की तलाश में भटक रहे हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाता है, लेकिन जब तक वह सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनका मरीज अपनी सांसें थाम चुका होता है, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्लांट के चालू होने के बाद इस तरह की दयनीय परिस्थितियों को रोका जा सकेगा। आज जो है वो करीब करीब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की टेस्टिंग शुरू, प्लांट की टेस्टिंग शुरू होगी। जो ऑक्सीजन पहले निकलेगी तो उसको जो है हम लोग को टेस्टिंग कराना होगा। जो एनर्जी लैब है, जो कि कंपनी की लैब जो है जो गांव में है वहां पर होके एक दो दिन में जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम लोग वार्ड में सप्लाई शुरू करेंगे। कितना आसान हो जाएगा सिलेंडर, लगभग कितने सिलेंडर रोज पर डे यहाँ पे निकलने? नॉर्मल डेज में तो हमारा एक दिन का काम हो जाएगा करीब 100 बेडों का जी, लेकिन अब इस समय 100 बेडों पे ऑक्सीजन चल रही है तो उम्मीद है कि 60 बेड का हमारा इस समय पूरा हो जाएगा। तो लगभग कब तक माना जाएगी 150 सिलेंडर का काम, कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा? अब ये तो कंपनी वाले काम कर रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, सब सामान अगर तुरंत मिलता रहा तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन में चालू हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।